बैक टू माई चैनल. तो जो आज की वीडियो होने वाली वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. सारी वीडियोज़ आजकल इंपॉर्टेंट हो रही है. तो आज जो बहुत सारा डिमांडिंग था यूनिवर्सिटी का टूर ब्लॉग, तो ये मेरी यूनिवर्सिटी है. मुझे आज जाके पता चला कि यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आई हूँ. और मेरी कैमरामैन, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी हर जगह पार्टनर माही है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये मेन बिल्डिंग है यहाँ की. मैं तो कभी नहीं गई इसके अंदर, मैंने सिर्फ नाम पढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है. और मे बी इसके अंदर शायद ना जब लोग आते हैं, जब कोई फंक्शन होता है तो इसके अंदर होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग है, जो यहाँ पे एक चर्च है. मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गई चर्च में. मुझे आज जाके पता चला कि यहाँ पे चर्च भी है. और यहाँ पे बहुत अच्छा सा व्यू है. और ये वाली बिल्डिंग हमारी क्लासेस होती हैं यहाँ पे. और ये वाली बिल्डिंग पे लोग अपना फंक्शन वगैरह करते हैं. मेन बिल्डिंग वहाँ पे भी है, क्योंकि वहाँ पे है लाइब्रेरी. तो अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं. और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैंने एक अच्छा बहुत तरीका ढूंढा है. वहाँ पे एस्केलेटर भी है और यहाँ पे लिफ्ट भी है. मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही थी, लेकिन मुझे बताया कि यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं, एस्केलेटर है. तो जल्दी जल्दी चलो. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी नॉर्मल चीज़ें मेरी लाइफ में आजकल हो नहीं रही हैं, सारी चीज़ें अब नॉर्मल चल रही है. तो वीकेंड है आज, छुट्टी है, तो इन्होंने एस्केलेटर पर ताला लगा रखा है. मतलब इतनी सी लाइन से तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे ये क्रॉस करके चली जाऊँ इसको? कोई बात नहीं, अगर लिफ्ट चलती होगी तो लिफ्ट से, वरना मुझे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने का कोई शौक नहीं है. लेकिन वीडियो के लिए चढ़ना ही पड़ेगा, अगर लिफ्ट नहीं हुई तो. देखा मेरा जुगाड़, यहाँ पे लिफ्ट है और ये खुली भी है. तो एकदम से आँखों पे ऐसे ऐसे धूप का पहरा आया है. मैंने नहीं चढ़ी इतनी सारी सीढ़ियाँ, बिल्कुल नहीं चढ़ूँगी. स्टार्ट करते हैं कहाँ से, वहाँ पे जाने वाले थे. वहाँ पे अभी लाइब्रेरी है और भी बहुत चीज़ अच्छी है, तो वहाँ पे जाके दिखाते वाले. बाद में होगी जब मेरा कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा. और यहाँ पे है लाइब्रेरी, जो कि बहुत ही ऊँची है, इसलिए मैं बहुत ही कम जाती हूँ यहाँ पे. और यहाँ पे है ये वाली जो बिल्डिंग है, ये थोड़ी काम की बहुत मेन है, जैसा कि मैंने बोला. क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरन लैंग्वेज एक्सचेंज के लिए आते हैं, फिर जी के एस आते हैं, फिर पढ़ने के लिए आते हैं, किसी भी तरीके से आते हैं, उनका सारा काम यहीं पर होता है. सारा डॉक्यूमेंट्स का काम, रिजल्ट्स का काम, और ARC वगैरह, एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो कि यहाँ पे ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे सारा काम ये लोग हैंडल करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, सबसे पहले बिल्डिंग मैंने यही जानी थी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे एक बार लग रहा है कि मेरे को जिम जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़ के अपना वेट कंट्रोल में रख सकती हूँ. तो
यहाँ पे पता नहीं लोगों ने किसी के बैठने के लिए जगह कर रखी है, वहाँ पे लाइब्रेरी है लेकिन आज वीकेंड है तो बंद है। मैं क्या बताऊँ, मैं लाइब्रेरी नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बंद कर रखी है, वरना लाइब्रेरी मेरी बहुत अच्छी है, मेरी नहीं है वो स्कूल वालों की है बट वो बहुत अच्छी है। बंद है, अंधेरा पड़ा है। और यहाँ पे ये कैफ़े है जो भी, वो भी आज बंद है क्योंकि आज वीकेंड है, लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए बैठने के लिए बहुत सारी जगह है तो लोग बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। हम यहाँ पर आए लेकिन लाइब्रेरी बंद है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कैफ़े बहुत अच्छा है। मतलब कभी मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतना अच्छा कैफ़े है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी स्टार्टिंग में। बैठने के लिए बहुत सारी जगह बना रखी है तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है। यहाँ पे बीच में पानी आता है लेकिन वो आज वीकेंड है तो सब कुछ बंद है। यहाँ पे चीज़ें खरीदने का है, मतलब यहाँ पे भी एक बना रखा था पे आप कॉफ़ी और भी जैसे सी यू टाइप का ही है वो, तो यहाँ पे चीज़ें खरीदो और यहाँ बैठ के खाओ, मौसम भी अच्छा है, सीनरी भी अच्छी है तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं दिल्ली से हूँ इसलिए मुझे इतने सारे पेड़ देख के ना थोड़ा सा अजीब लगता है। पता नहीं जोक अच्छा था कि नहीं था, वैसे जोक नहीं तो रियलिटी है भाई, वहाँ की इतने सारे पेड़ों के बीच में रखे ना मुझे एकदम से ऐसा, ओह अच्छा पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में हरियाली हरियाली, वाह टाइम आ गया है। लेकिन ये सीढ़ियाँ सुंदर लग रही हैं तो चढ़ने में कोई बुराई नहीं है और यहाँ से देखने में भी अच्छा लग रहा है। चलते हैं ऊपर, ऊपर वहाँ पे वो है क्या बोलते हैं उसको, प्लेग्राउंड बोलते हैं क्या बोलता है वहाँ पे वो है, वहाँ पे जाके देखना है। मैं बिना पूछे लोगों की वीडियो बना रही हूँ खेलते हुए की, लड़के स्मार्ट लग रहे हैं। इस पर क्या बुराई थी है नाम से होगी मैं अब किसी को भी ऐसे शूट कर सकती हूँ क्या? तो यहाँ पे बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे हर जगह लोग टेबल को डाल के बैठे रहते हैं और हरियाली सब जगह, टेबल है भाई सब जगह टेबल है। ये वाली है ए बिल्डिंग, यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो डॉर्मेट्री हैं, तो अभी जाके दिखाने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने बैठने के लिए पूरी जगह दे रखी है, पता नहीं क्यों इतनी जगह दे देते लेकिन अच्छी चीज़ है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। और वहाँ पे तीन बिल्डिंग है डॉर्मेट्री की, जैसे यहाँ पे होते नहीं डांस क्लब सिंगिंग क्लब, तो उन सब के लिए पूरी एक बिल्डिंग दे रखी है उन्होंने। और यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है, जो भी लैंग्वेज सीखता है फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सारी क्लासेज यहाँ पे होती हैं। और मेरी डॉर्मेट्री है यहाँ पे, यहाँ पे डॉर्मेट्री इसके पीछे की तरफ से आते हुए ना, इतनी अच्छी जगह है, फिर से बहुत अच्छी जगह मिल रही है मुझे आजकल, बड़ा मज़ा, मेरे को अपना कैंपस बहुत प्यारा लगता है भाई, अच्छी बात है मैं कहीं और नहीं गई। ये बेंचेस का मैं अभी आपको बताने वाली कि यूज़ कहाँ करना है, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि सड़क के बीच में यहाँ पे क्यों डाल रखे हैं लोगों ने, बट मैं भी बताती हूँ कि क्यों ज़रूरत है इसकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे धीरे धीरे करके पता चल रहा है वाली, क्योंकि यहाँ से इतना सारा चलने के बाद वहाँ पे बेंचेस का यूज़ होने वाला है क्योंकि दिखेगा वहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है, पीछे से यूनिवर्सिटी स्टार्ट मतलब ये रोड स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी वहाँ से। अभी दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत की लगती है मेरी सास, अगर आपको चढ़ते हुए दिखे तो समझ जाना क्योंकि मैं बहुत देर से चल रही हूँ। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, इतनी सारियाँ सीढ़ी लेने के बाद हम ऊपर जाके बेंचेस मिलेंगे। इतनी ज़्यादा थकान होती है ना थकाते आते, जैसे तैसे मरते मरते मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ वाली, लड़के भी जा रहे हैं देखना नहीं सीढ़ियों, देखो सीढ़ियाँ ज़्यादा मेहनती है। और सीढ़ियाँ यहाँ पे आके लगता है कि यहाँ पे आके बंद हो जाएगा बट यहाँ पे बंद नहीं होता है, यहाँ के बाद फिर से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। मुझे यहाँ पर आके तो धोखा मिलता है ना, ऐसा लगता है कि नई नई सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई बट नहीं, वहाँ पे सीढ़ियाँ और हैं। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब वो जो बेंच आपको दिख रहे होंगे
जो मैंने भी दिखाए थे आपको पहले। यहाँ पे उस बेंच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तुम जब आते हो तो तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलता है गया, सबसे पहली वाली डेस्क मेरी है, मैं हमेशा यहीं पर आके बैठ जाती हूँ। कुछ डस्टबिन रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे लोग कूड़ा कचरा ना फेंके, सब जगह होते हैं। हम यहीं बैठे, हम नहीं जा रही, मैं कहीं बहुत थक गई हूँ मैं।